तो आज का जो हम सीखने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है नेस्टेड टेबल। नेस्टेड टेबल का मतलब होता है अ टेबल इनसाइड अनदर टेबल। एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल डालेंगे तो वो बन जाएगा नेस्टेड टेबल। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखेंगे रो मर्ज और कॉल मर्ज कैसे होता है, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के साथ। पहले इसको देख लेते हैं। इसके लिए देखिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम एक फाइल में जाके ओपन फोल्डर करते हैं और अपना फोल्डर जो है वेब वाला यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस फोल्डर को, तो यहाँ पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक ले लिया एप्पल, सॉरी फायरवॉल इनवॉइस, एंड क्लिक करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया, एंड ये हमारा फोल्डर डिफाइन हो गया। कंट्रोल एन करके यहाँ से एक न्यू फाइल ले ली और उस पर कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, और उसका नाम मैंने रख दिया वेब पेज का नेस्टेड टेबल डॉट HTML। ठीक है, सेव हो गया। शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाया, एंटर किया, सेव हो गया। F5 दबाया ताकि कौन से ब्राउजर पे मुझे आउटपुट दिखाए, तो यहाँ से ब्राउजर को चूज कर लिया, यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया और इस आउटपुट को मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने जाके इसका टाइटल सेट किया, क्या रखना है, नेस्टेड टेबल, नेस्टेड टेबल। ठीक है, और इसके बाद नीचे आके H1 में यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके लिख रहे हैं H1 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेस्टेड टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पेज पे इस तरह से नजर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसके लिए एक टेबल चाहिए होगा जो हमें बनाना है, तो अभी हम यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट लेके एक टेबल बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट ले लेते हैं टेबल, तो वर्ल्ड कप तो चला गया, मैंने वर्ल्ड कप के टेबल बनाए हुए थे, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि तीन कंपैरेटिव एनालिसिस ले लेते हैं, डेल, एचपी और लेनोवो का। ठीक है, डेल, एचपी और लेनोवो का एक कंपैरेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल बनाया, टेबल रो बनाया, टेबल हेडिंग बनाया और यहाँ पे सीरियल नंबर डाला। फिर इसके बाद इसका दूसरा कॉलम बनाया, TH किया, यहाँ पे हमने लिखा मॉडल। ठीक है, मॉडल लिखा और यहाँ पे हमने इसका एक प्राइस ले लिया, तो यहाँ पर एक और ले लिया हमने यहाँ पे सिंपल सा प्राइस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक काम कर लिया। इसके बाद अगली रो पे इसी में आ गए, एक और TR किया, इसमें TD करके एक टेबल बनाया, 01 लिखा, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको Ctrl+C करके Ctrl+V और Ctrl+V कर दिया। इसमें एक मॉडल लिख दिया हमने सपोज टू बी डेल का, डेल N5110। ठीक है, और इसका प्राइस हमने यहाँ पे ले लिया 56,000। ठीक, यहाँ पे लगा दिया हमने इस तरीके से। अब इस तरह से मुझे इसको तीन रोज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ से क्लिक किया इंटर, एंड देन क्लिक किया इंटर, यहाँ दो पेस्ट हो गए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वन था, यहाँ पे टू कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ टू कर लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज Y2Key10। ठीक है, और इसकी प्राइस कर दी 62,000। ठीक है, ये इसका प्राइस ले लिया और यहाँ पे सीरियल नंबर 3 कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसका एक प्राइस ले लिया सपोज टू बी S1210, और इसका प्राइस कर दिया यहाँ पे 65,000। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, सेव करेंगे या रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह का एक टेबल बन गया। टेबल के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे ताकि बेहतर कर लें। टेबल के साथ एक और टैग यूज होता है जो टेबल के इनसाइड होता है, कैप्शन, जो टेबल का लेबल डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कैप्शन। तो ये भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे तो यूज कर लें, नहीं तो यहाँ करें डेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया डेल प्रोडक्ट्स और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश किया तो ये देखें टेबल के ऊपर इस तरह से नजर आएगा। इसके बाद टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स यूज कर लेते हैं। सपोज टू बी हम यहाँ पे एक बीजी कलर का एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं और इसमें हम एक कलर ऐड कर देते हैं पिंक सपोज टू बी, और यहाँ पे क्लिक करके हम एक और एट्रीब्यूट डाल लेते हैं इसका, जो उसका नाम होगा सपोज टू बी बॉर्डर, और बॉर्डर यहाँ पे लिख के हमने ले लिया 2 पिक्सल का। तो यहाँ पे रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो इस तरह से आपका एक टेबल बन गया। टेबल की थोड़ी विड्थ वगैरह को थोड़ा एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे विड्थ कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसकी विड्थ हमने सेट कर दी 300 पिक्स में सेट कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखें कुछ इस तरह का हमें इसका पूरा टेबल नजर आने लग गया और ये हमें इस तरह से टेबल बन गया। सही, अब मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा, ये एक टेबल बनाया मैंने, इस पर क्लिक किया, टेबल ओपनिंग है यहाँ से, और उसको सेलेक्ट किया यहाँ से लेके, और यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसके नीचे दोबारा से पेस्ट कर दिया, दूसरा टेबल बन गया। यहाँ पर मैंने इसको डेल प्रोडक्ट की जगह पे लिख दिया HP प्रोडक्ट्स। ठीक है, और HP प्रोडक्ट्स करके यहाँ नीचे आते हैं। अब इसमें सीरियल नंबर और मॉडल में वो सेम चीज रहेगी, और यहाँ पर डेल की जगह पे हम इसके मॉडल को रिप्लेस कर देते हैं HP के, HP G4T। ठीक है, और इसका प्राइस हमने डाल दिया यहाँ पे 58,000, और यहाँ पे हमने ले लिया HP लाइट बुक। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया और इसका प्राइस हमने डाल दिया 68, और यहाँ पे हमने ले लिया HP प्रो 100। ठीक है, ये ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो प्राइस डाल दिया हमने 72 डाल दिया। ठीक है, तो 72,000 जो हमने इसका प्राइस डाल दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो देखें इसके नीचे एक और टेबल बन गया, और इसका कलर जो है
पिंक की बजाय हमने यहाँ पे रख दिया सयान, और यहाँ पे से सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो ये देखें दूसरा टेबल आपके सामने क्रिएट हो गया। तीसरा टेबल आपने क्रिएट करना है, तो टैग तो हमने कॉपी कर ही रखा था तो पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो तीसरा टैग पेस्ट हो गया, ये तीसरा तीसरे के नीचे आ रहा है, और यहाँ पे कलर हमने यहाँ पे ले लिया गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड कलर ले लिया, 702 pixels और 300 pixels के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हमने ले लिया लिनोवो प्रोडक्ट्स, तो लिनोवो प्रोडक्ट्स ले लिया, सीरियल नंबर स्पेसिफिक किया, यहाँ पे लगाया लिनोवो का थिंक पैड i500, तो यहाँ पे लगाया, इसका प्राइस हमने यहाँ पे 52,000 ले लिया। और यहाँ पे हमने लगाया सपोज टू बी नोटबुक, और नोटबुक ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे उसका प्राइस लिख दिया L200, तो यहाँ पे उसका प्राइस जो है हमने यहाँ पे कम करके कर दिया सपोज 54,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 54,000 का यहाँ प्राइस डाल दिया। इसमें सीरियल नंबर 3 पे दिया, यहाँ पे हमने लिया लेनोवो थिंक सेंटर, ठीक है, थिंक सेंटर, और यहाँ पे हमने ले लिया N210, और यहाँ पे इसका प्राइस हमने डाल दिया सपोज टू बी 61,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कुछ डेटा को ऐड कर दिया। इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो गोल्ड रख रखा था हमने, तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए तीसरा कलर ये आ गया। इस तरह जितने टेबल्स चाहेंगे आप क्रिएट करते रहेंगे, वो एक दूसरे के नीचे क्रिएट होते रहेंगे। हाउ टू बिकम ए नेस्टेड, तो इसको कैसे करेंगे नेस्टेड, और ये तीनों एक साथ कैसे आएंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, तीन टेबल है स्टार्ट एंड क्लोज, तो इस तरह से तीन टेबल का हमारे पास टैग है। सबसे पहले टेबल से पहले यहाँ पर एक और टेबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसका जो क्लोज है सबसे लास्ट टेबल के क्लोज के बाद क्लोज करेंगे, सबसे लास्ट टेबल के क्लोज के बाद क्लोज करेंगे। तो ये देखिए सबसे लास्ट टेबल उसके क्लोज के बाद क्लोज कर दिया। स्टार्ट कहाँ पे, सबसे पहले टेबल के ओपन से पहले, और क्लोज कहाँ पे है, सबसे लास्ट टेबल के क्लोज के बाद। उसके बाद क्या करेंगे इसके अंदर, फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये करेंगे कि जहाँ टेबल का टैग स्टार्ट किया तो उसके बाद एक टेबल रो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे उस टैग के बाद, और क्लोज करेंगे जहां पर इसका क्लोज किया है लास्ट टेबल के बाद उसकी उससे पहले, ये इसका क्लोज है इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये आपका तीसरा टेबल का क्लोज है, ये आपकी रो का क्लोज है, और ये मेन टेबल का क्लोज है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आगे ऊपर, और फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे TH या TD, कोई भी इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। TH स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, पहला TH स्टार्ट करेंगे टेबल रो के बाद, और उसको क्लोज करेंगे पहले टेबल के क्लोज के बाद, पहले टेबल के क्लोज के बाद, पहला टेबल ओपन हो गया, ऐसा क्लोज का है, क्लोज ये रहा, यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर दूसरा TH स्टार्ट करेंगे पहले वाले TH के क्लोज के बाद, और उसको क्लोज करेंगे सेकंड टेबल के क्लोज के बाद। सिमिलरली तीसरा TH स्टार्ट करेंगे सेकंड के क्लोज के बाद, और उसको क्लोज करेंगे थर्ड टेबल के क्लोज के बाद, यानी कि यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से। और जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे तो जितने भी टेबल होंगे, एक दो तीन चार भी होंगे, तो वो इस तरह से एक रो में आ जाएंगे। अब इसका आइडिया देखते हैं हुआ क्या बेसिकली ये। तो वैसे तो इसका हम समझने के लिए हम बहुत आसान है, क्या करेंगे ये मैन टेबल पर आएंगे, इस मैन टेबल पर जाके एक एलिमेंट ऐड करेंगे जिसका नाम होगा बॉर्डर, और उसके अंदर 1 pixel का बॉर्डर डालते हैं। देखिए क्या हो रहा है, देखिए हुआ ये कि ये पूरा टेबल बनाए, और पहली रो के पहले कॉलम के अंदर ये टेबल आ गया, पहली रो के दूसरे कॉलम के अंदर ये टेबल आ गया, पहली रो के तीसरे कॉलम के अंदर ये टेबल आ गया, और इस तरह तीनों टेबल नजर आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ सेंटर अलाइन हो जाए, तो वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ ऐड करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे विड्थ, और अगर हम चाह रहे हैं पूरे पेज पर नजर आए तो 100% कर देंगे, तो जिस स्क्रीन पे भी खुलेगा पूरा 100% देगा। और अलाइन यहाँ पे इस पे नहीं करेंगे बल्कि अलाइन, और बॉर्डर अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ से बॉर्डर के एलिमेंट को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमने किया था। तो ये देखें इस तरह से नजर आ रहे हैं, और तीनों टेबल सेंटर में चाहते हैं तो तीनों सेंटर के टेबल एलिमेंट के अंदर यहाँ पर अलाइन का एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और उसको भी क्या कर देंगे सेंटर कर देंगे, और यहाँ से क्लिक करके कॉपी करेंगे, और उसको ले जाके सेकंड टेबल के अलाइन के अंदर भी सेंटर कर देंगे, और उसको ले जाके थर्ड टेबल के भी अलाइन के टैब के साथ उसको क्या कर देंगे सेंटर कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखें तीनों के तीनों अपने अपने सेल्स के अंदर, यानी कि टेबल हेडिंग के सेंटर पे भी आ जाएंगे, और पेज के सेंटर में भी इस तरह से नजर आने लग जाएंगे। इस तरह आप 3 से 6, 6 से 8 जितने भी करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और आपको इस तरह से दिखा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड टेबल, ठीक है।